छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के शानदार 4 साल पूरे कर लिए हैं। इसे छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का नाम दिया गया है। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा के कापू बहरा गांव में गौरव दिवस पर कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार की मुख्य उपलब्धियों पर चर्चा की और कार्यक्रम के अंत में किसानों को रागी बीज और वृद्धजनों को कंबल वितरित किया गया। वहीं विधायक ने बताया कि कापू बहरा में 2 करोड़ की लागत से इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की स्वीकृति दे दी गई है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। साल माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल जी का पूरा हुआ और इतने कम समय में 4 साल में 2 साल तो कोरोना काल में गया और उसके पहले मुख्यमंत्री सम्मानित भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था कि मेरे सरकार बनने से जनता ने हमें चुना तो उसके लिए पहले तो उसने कर्जा माफ के बाद कहा था, कर्जा माफ कर दिया, जो उसने कहा वो सो कर दिया। दूसरा विधान खरीद के बारे से आपको मालूम है, 2500 बोला, 2500 रुपया से 1 रुपया कम नहीं किया, पूरे पूरे दिया। और अभी 2 साल उसे कोरोना काल में गया, सभी के लिए, सभी विभाग के धन्यवाद दिया आज देख आप अपना चैनल के माध्यम से आपको। और साथ में गौठान जो हमारे जगह जहाँ खड़े हैं इसको पूरा छत्तीसगढ़ का, पूरा भारत देश में ऐसा गौठान कभी कोई नहीं बनाए होंगे, वैसा वो खुद बनाए और आज बड़ा से बड़ा आज उसमें एक रूपा के नाम से आप रूरल इंस्टीट्यूट के नाम से इंडस्ट्रियल पार्क का, जिसमें 2 करोड़ रुपया का आज यहाँ पे बनने का बिल्कुल स्वीकृति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन के 4 वर्ष पूर्ण होने पे छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में आज पूरे जिले में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हम लोग अभी कापू बहरा गोठान में उपस्थित हैं और यहाँ माननीय विधायक जी के मुख्य आतिथ्य में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हम लोगों ने, सभी लोगों ने ग्रामवासियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्बोधन था उसको हम लोगों ने सुना है, देखा है। इसके बाद यहाँ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वितरण का कार्यक्रम था। इसके बाद सभी लोगों ने जो 4 साल पूर्ण हुए हैं राज्य शासन के, उनके जो विभिन्न कार्यक्रम है, उनकी उपलब्धियाँ हैं, उस पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं।